बात करेंगे मलेशिया टी टेन ग्रैंड मुंबई चैंपियनशिप टूर्नामेंट का। आज का दिन का सेकंड टी टेन मुकाबला के बारे में जो खेला जाएगा एमकेपी वर्सेस ग्लोबल स्टार्स के बीच में। दोनों टीम में एमकेपी की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं, बट ग्लोबल स्टार्स टीम का पहला मुकाबला होगा दोस्तों टूर्नामेंट में, और एक इम्पोर्टेंस मुकाबला रहेगा। ग्लोबल स्टार्स की टीम ने मलेशिया टी टेन बेस वाला जो टूर्नामेंट हुआ था, के एल टी ट्वेंटी बेस वाला टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे इनकी टीम्स के पल्ले से नहीं खेले थे, थोड़ा सा अलग अलग पल्ले जोड़ के खेले, बट सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके दूंगा क्योंकि एमकेपी की टीम ने 2 मुकाबले जो खेले हैं ना वहाँ पर इनकी टीम से नहीं हारे। स्कोरिंग ओवरऑल लास्ट वाला गेम में सही था, तो दोनों टीम बढ़िया टीम्स है, सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना, हर एक चीज़ बताएंगे जिससे आप एक बेहतर वाली खुद से आप टीम बना पाओ, चाहे आप स्मॉली की टीम बना रहे हो चाहे हेड टू हेड की टीम बना रहे हो। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, टेलीग्राम पर अपडेट जो भी होगा हम जिस टीम से खेलेंगे सेम टीम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके जुड़ो या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @fexpert14800900 समथिंग आपको सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा, और आपने यहीं पे क्लिक करके जुड़ने भी है। फर्दर अपडेट आएगी तो टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखकर चलिएगा। सुबह को 8:45 मुकाबले स्टार्ट होंगे, वेन्यू सेम रहेगा, विकेट ओवरऑल बैलेंस करेंगे, विकेट पे चेस करना आसान हो रहा है जो सिलांगोर टर्फ क्लब कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर स्थित है ना, इस वेन्यू पर हमने 130 140 170 भी स्कोरिंग देखा है, तो ओवरऑल जो बेहतर टीम है आप उसको फेवर करो। इनकी टीम में दोनों दोनों हारी है, बट पहले वाला गेम में 48 पे 8 कर रहा था, लास्ट वाला गेम में 131 पे 3 का विकेट गिरा था। ओपनिंग कराया था मोहम्मद यासिर अली, इनके साथ आया था नवीदुल हसन। यासिर अली को रखने का मतलब नहीं बनेगा, लास्ट के 2 गेम में केवल 1 ही ओवर डाली है। हम स्मॉली और एडवर्ड की टीम में अभी के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कभी इनका कन्फर्म नहीं कि यासिर अली ओपनिंग करेंगे ओवर भी डालेंगे, तो सेफ कहाँ रहेगा दोस्तों, आप छोड़ ही दो, ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है। नवीदुल हसन ओपनिंग करते हैं कन्फर्म, और आप स्मॉलिक और रेडवर्ड की टीम में इनके साथ जाइएगा, लास्ट के 2 गेम में 39 रन भी हैं। अमीर सुहैल खान ऑलराउंडर की भूमिका निभा के देंगे, पहले वाला गेम में बोली नहीं किया था बट लास्ट वाला गेम में 27 रन करा था और 1 को बढ़ा लेते तो सेफ रहेंगे। आतिफ ने लास्ट के 2 गेम में, पहले वाला गेम में 14 रन 3 विकेट, लास्ट वाला गेम में बल्ले से 49 रन था, टीम ने बोली नहीं दिया था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो हो ही रहा है, तो आप इनको एज ए प्लेयर पिक करो। ईशा खान लास्ट के 2 गेम में 3 विकेट है, 3 ओवर के बॉलिंग करा के। अब्दुल समद खान का वही हाल है, पहले वाला गेम में 2 ओवर, लास्ट वाला गेम में 1 ओवर। हकीम का भी वही हाल है दोस्तों, लास्ट वाला गेम में 1 ओवर, पहले वाला गेम में इन्होंने 2 ओवर करी थी। शाहिंसा हुसैन बॉलिंग करा रहे हैं तो आप इनको भी ट्राई करो, ठीक है। इकरामुल्ला खान हनीफुल्ला ने 1 ओवर करी थी। हम इस टीम से स्मॉलिक और हेड टू हेड की टीम में ट्राई करेंगे, नवीदुल हसन पहला, अमीर सोहेल खान दूसरा, आतिफ तीसरा, चौथा रहेगा ईशा खान, पाँचवा अब्दुल समद खान, छठा फजल हकीम, सातवा शाहिंसा उठन, अगर आपको आठों लेना है तो इकरामुल्ला खान हनीफुल्ला को लीजिएगा। गुलाम मर्तजा से आप इस टीम से बढ़िया बढ़िया लंबर अवेलेबल है जो कि खेलेंगे, तो उनको रखना है कि नहीं रखना है सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके दूंगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर टीमें वगैरह जो भी चीज़ है मिल जाएगी। सामने वाला टीम है ग्लोबल स्टार्स की टीम से, लास्ट के 3 के 3 मुकाबले इनकी टीम से ने जीता था, जो अभी टूर्नामेंट हमने कवर किया था ना मेमसिया टी टेन बेस वाला, वहाँ पे ओपनर थे राजकुमार राजेंद्रा, इनके साथ आए थे जमशेद अख्तर। राजकुमार राजेंद्रा लास्ट के 3 गेम में 7-2-18 है खेलते हैं, तो ओवरऑल ओपनिंग कराते हैं, बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है आप ले लो। जमशेद अख्तर भी कई बार टीम इनको भी ओपनिंग कराती है, जमशेद अख्तर भी है दोस्तों यहाँ पर, है तो ऑलराउंडर में लेकिन कई बार बोले नहीं करते। अख्तर को आप एज ए प्लेयर पिक करो। असलम खान मलिक इनके विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर में अवेलेबल है, सामने वाली टीम से आतिफ अवेलेबल है तो ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो इनको भी। अजयब खान भी है, अजयब खान और असलम खान मलिक में से जो भी ऊपर खेलेगा आप उनको ले सकते हो। कैसर अली ने कुछ खास नहीं करी है, के एल टी ट्वेंटी बेस वाले टूर्नामेंट में स्ट्रगल तो किया था, हम नहीं ले रहे। अमीर खान मलिक ने 39 रन 1 विकेट, 28 रन 3 विकेट, दोनों गेम में के एल टी ट्वेंटी बेस में स्ट्रगल किया था लेकिन टी टी के अंदर काफ़ी तगड़ा करते हैं, तो अमीर खान मलिक भी आपके लिए सी बी सी का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मोहम्मद फैजल लतीफ लास्ट के 2 गेम में 4 विकेट है, जो हमने एम सी ए टी टेन बेस वाला टूर्नामेंट कवर किया था ना वहाँ पर। मोहम्मद कैसर भी आपको कम्प्लीटली ओवर डालते नजर आएंगे, लास्ट के 2 गेम में 1 विकेट इनका भी है। रहीम खान मलिक का भी लास्ट के 2 गेम में 2 विकेट है और हर गेम में 2 ओवर डालिए। अरसलान अलमोजाम ने कुछ खास नहीं करी है, अहमद ने भी कुछ खास नहीं करा है। देखो हम स्मॉलिंग और हेड टू हेड की टीम में इस टीम से पिक करेंगे, राजकुमार राजेंद्रा पहला, जमशेद अख्तर दूसरा, तीसरा में रहेगा असलम खान मलिक, चौथा रहेगा अमीर खान मलिक, पांचवा रहेगा फैजल लतीफ, छठा पिक करेंगे कैसर, सातवां रखेंगे रहीम खान मलिक को। तो इस टीम से अगर आप विकेट कीपर को ले रहे हो तो 7 तो प्लेयर्स कम से कम लेना पड़ेगा। बेंच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं सबके सब वीक है, बट फिर भी कोई खेलेगा तो टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। विकेट कीपर में अभी मैं आतिफ के साथ जाऊँगा क्योंकि स्कोरिंग का सही था,
आप असलम खान मलिक को भी ले सकते हो। बल्लेबाजी क्रम में राजकुमार राजेंद्रन, नवीदुल हसन, उनके अलावा आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में जमशेद अख्तर को हम पिक करेंगे, आमिर खान मलिक को पिक करेंगे, उनके अलावा इसहाक खान को पिक कर लेते हैं। फिर बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, बॉलिंग सेक्शन में जब आइएगा रहीम खान मलिक रहेगा सेफ, ठीक, उनके अलावा मोहम्मद कैसर रहेगा, अब्दुल समद खान रहेगा, शाहिनशाह हुसैन दो दो ओवर डाल ले तो आप इनको ट्राई कर लो। फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन में सोहेल खान को रखो। मेरा सी रहेगा दोस्तों, और रहेगा यहाँ पर आमिर खान मलिक मेरा कैप्टन रहेगा, रहीम खान मलिक मेरा बी सी रहेगा, आप सी बी सी कर सकते हो, जमशेद अख्तर के साथ भी जा सकते हो, अतीब को लोग कर रहे तो आप इनके साथ भी कर सकते हो, लेकिन जो बॉलिंग बैटिंग कर रहा है आप उनके साथ ही जाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी के लिए मेरा डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस मिलेगी, टेलीग्राम पे जुड़ना, वीडियो पसंद है लाइक कमेंट करना, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।